हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंकी गोयल कॉमर्स क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग द वीडियोस। इन दिस वीडियो वी कवर द नाइन्थ क्लास सिविक्स चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है एंड हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। तो उस मेजर डिसीजन पॉलिसी में आप लोगों को बताया गया कि यहाँ पर पहले मेमोरेंडम बनाया गया ऑफिस, यानी कि कोई सर्कुलर बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो कोई कानून को करना चाहती है। फिर उसके बाद जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने प्रेजिडेंट होता है स्टेट का हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है ऑफ गवर्नमेंट का। तो फिर कैबिनेट मीटिंग के द्वारा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, आप लोगों को मालूम है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कोई भी लॉ को पास किया जाता है उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि रिजर्वेशन का हुआ। नाउ वी कम टू द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होता क्या है? एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअली इसमें जो लोग इलेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले एक चैप्टर में पढ़ाया गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अलग अलग एरियाज होते हैं और यहाँ पर अलग अलग सीट से अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो जो उम्मीदवार जीत जाते हैं उन्हीं को हम असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वाई शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव आर चूज? ताकि वो उस एरिया की, स्पेसिफिक एरिया की प्रॉब्लम को उस पार्लियामेंट में रख सकें और उसका सॉल्यूशन हो, और जिसने उनको इलेक्ट किया है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो वो उस एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फिर पार्लियामेंट एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट होती क्या है। तो पार्लियामेंट में एक और तरीके से आप लोग बात कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट कंसिस्ट थ्री कॉन्स्टिट्यूट यूनिट, वो भी हम बाद में करेंगे। नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज आल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट। इसके मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स में अभी डिवाइड किया है। तीसरा एक इसमें प्रेसिडेंट होता है, जबकि इसका पार्ट नहीं होता लेकिन इसके बगैर वो अधूरा है। स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है और सेंट्रल लेवल पर इसको संसद के रूप में जाना जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज। पार्लियामेंट के पास, क्योंकि इसके दो हाउसेज होते हैं और इसके पास ही फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी कानून को बनाने की। इट कैन मेक न्यू लॉज एंड कैन अबॉलिश द एग्जिस्टिंग लॉ। जैसे अगर हम लोग बात करें अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पार्लियामेंट ने तीन बिल पास किए, थ्री बिल आर पास्ड अबॉलिश्ड, कि अगर उसने कोई पुराना कानून को मिटाना हो, जैसे कि अभी उसने तीन तलाक वाला जो केस था, तीन बार तलाक बोलने से उनको निकाल दिया जाता था, वो कानून को अबॉलिश किया, जो वुमेन्स थी उनको नए अधिकार दिए। तो इस तरह से पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। पार्लियामेंट इन इंडिया कंट्रोल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है हमारे देश की, वो अपने डिसीजन पर जब तक रह सकती है जब तक उसको पार्लियामेंट की सपोर्ट मिले। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, लोकसभा इज अ लोअर सेक्शन और जो राज्यसभा होती है उसकी अपर सेक्शन है। तो पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव एंड यूज, यानी कि जो पार्लियामेंट होती है वो गवर्नमेंट के बजट को भी डिसाइड करती है, यानी कि सारे के सारे जो बजट हैं, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जो उसको इनकम हो रही है, उनके बिलों पर पार्लियामेंट अगर सेंक्शन लगाती है, उनको पास करती है, तभी वो कंट्रोल इस तरह पास होते हैं और वो कंट्रोल करती हैं। पार्लियामेंट इज़ द हाइएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन एनी टॉपिक एंड नेशनल पॉलिसी। बेटे ध्यान से देखो कि जो पार्लियामेंट होती है वो हाइएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन, यानी कि कोई भी मुद्दे पर बातचीत करना, उनके डिबेट पर किसी भी टॉपिक पे। अगर आप लोग बात की जाए तो
तो कोई भी मुद्दा, जैसे मान लो मैंने कहा कि जो पार्लियामेंट होती है वहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर काम करते हैं। अब जैसे मान लो दो किसी एक टॉपिक पर दो स्टेट, हरियाणा और पंजाब ही ले लें, हरियाणा और पंजाब में किसी बात पर झगड़ा हो रहा है या हरियाणा और पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी किसी बात को तर्क देने के, तर्क और वितर्क करते हैं, तो वो यहाँ पर ही पार्लियामेंट में पॉसिबल है। अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट का सेशन देखा होगा तो उससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि वो तर्क वितर्क कोई भी बात का कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, मैंने आपको बताया था कि पहला है काउंसिल ऑफ स्टेट, यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट बैठती है राज्यसभा और या अपर हाउस, और हाउस ऑफ द पीपल जहाँ पर लोगों की सहमति के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं उन्हें लोअर हाउस या लोकसभा, और जो प्रेसिडेंट है इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल बिल्स मेड इन द हाउसेज बिकम लॉ आफ्टर दे रिसीव द असेसमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की इतनी पावर है कि दोनों हाउसेस से इनको बिल मिलने के बाद वो कानून बनता है असेंट, यानी कि जिस पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो जाए, मंजूरी हो जाए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लोअर हाउस, कई बार कहते हैं कि जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये अपर हाउस है, राज्यसभा है और इसके पास ज़्यादा पावर है, ऐसा नहीं है बच्चों। कि वाई इज़ लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, अभी तो आप लोगों को ये अपर हाउस है और ये लोअर हाउस है, अगर हम लोग जनरल बात करें तो अपर हाउस के पास ज़्यादा पावर होती है और लोअर हाउस के पास कम होती है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। यहाँ पर लोकसभा है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन यहाँ पर सीट ज़्यादा होने के कारण लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा। इसके कुछ एक पॉइंट्स हैं मैंने एक्सप्लेन किए हुए, लेट अस सी दैट पॉइंट्स। देखिए बच्चे, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड, किसी भी ऑर्डिनरी लॉ को पास होने के लिए दोनों हाउसेस की मंजूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों हाउसेस की अलग अलग दिशाएं होती हैं, बट इफ़ देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन क्या होता है, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा के कैंडिडेट आपस में डिबेट वगैरह करते हैं। इन जॉइंट सेशन द अगर दोनों ही साथ में बैठते हैं और क्या होता है कि दोनों की आपस में तर्क वितर्क होते हैं या उनकी देखी जाती है कि उसके पास किसके पास पावर है, तो उसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर, किसमें ज़्यादा नंबर मेंबर होते हैं, लोकसभा में कितने 543 होने के कारण तो उनकी वोट ज़्यादा बन जाती है। इन जॉइंट सेशन द व्यू ऑफ द लोकसभा प्रिवेल, तो क्योंकि वहाँ पर उनसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। सेकेंड, लोकसभा हैव मोर पावर इन मनी बिल्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी गवर्नमेंट का बजट होता है वो लोकसभा डिसाइड करती है। वंस द लोकसभा पासिस द बिल, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। वंस द लोकसभा पासिस द बिल राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, राज्यसभा कैन ओनली डिले, उसको देर कर सकती है, सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है और उनको सजेस्ट कर सकती है कि वो उसमें चेंजेस लाए, और वो ऑटोमेटिकली 14 दिनों के बाद पास हो जाता है। इट मीन्स कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट, लोकसभा क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होती है तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट को, इफ़ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर से दे हैव नो कॉन्फिडेंस, अगर लोकसभा के मेंबर ये कह दें कि उनको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तब ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर आल्सो हैव टू क्विट फ्रॉम द पार्लियामेंट, राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर कि वो क्विट कर सके। तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर हुई ना, वही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर मेंबर इनके 543 हैं, उनके कम हैं, तो इस और जो लोकसभा है बच्चों ये लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ की बात करें, MLA की बात करें, गुला जी का की, और आगे फिर हम लोग दूसरे उसकी बात करें लोकसभा की रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो यहाँ पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, यानी कि गवर्नमेंट का सारा बजट अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि किस स्टेट को कितना मिलना है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, किस स्टेट से कितना रेवेन्यू आएगा, ऑल दिस मैटर्स आर बी डिस्कस
in parliament but introduced in Lok Sabha. I hope you understand this concept. In next concept, we will have to discuss the next topic, that is an political executive. So permanent political or political executive, prime minister and its council ko next video mein cover karenge. If you like the video, please share the video because sharing is caring and subscribe the channel. Thank you.